Dear students, in this module, we are going to discuss slavery as the system of social stratification. Slavery is a system of social stratification in which individuals are owned and exploited by others, typically on the basis of race or ethnicity. जो के गुलाम बनाने का निजाम जो है ये बहुत पुराना है सदियों से चला आ रहा है इसके अंदर किसी भी फ़र्द को उसकी रेस या उसकी एथनीसिटी की बुनियाद के ऊपर इस तरह से ग़ुलाम बनाया जाता है कि उसके ज़िंदगी का सारे का सारा दारोमदार जो है वो उसके आका के ऊपर होता है और उसकी ज़िंदगी के जो गोल्स हैं जो मीनस हैं जो एम्स हैं वो सारे के सारे उस फ़र्द को ख़ुद डिटर्मिन करने का इख्तियार नहीं होता बल्कि उसके मालिक या उसके आका को डिटर्मिन करने का इख्तियार होता है सो स्लेवरी अ पार्ट ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज़ थ्रू आउट द हिस्ट्री आल दो इट हैज़ बीन ओवर आउट लॉड इन मोस्ट कंट्रीज़ इन द मॉडर्न इरा तो जदीद दुनिया के अंदर हम देखते हैं कि स्लेवरी शायद अबॉलिश हो चुकी है इन इट्स ट्रू सेंस तो शायद अबॉलिश हो चुकी हुई है इन uh, और लेकिन जब हम ये देखते हैं कि बहुत से ऐसे एक्नॉमिक सिस्टम आज की दुनिया में मौजूद हैं जिसमें टिपिकली स्लेवरी शायद उस तरह से प्रैक्टिस नहीं हो रही है जैसे कि ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ के अंदर होती थी हाँ जो जदीद एकनॉमिक सिस्टम्स हैं उनमें लोगों को गुलाम बनाने का अंदाज़ शायद बदल गया है सो स्लेवरी हैज़ आ अ डेवस्टेटिंग इम्पैक्ट ऑन द लाइफ ऑफ दोज हु आर इन डिप्राइव्ड एंड दे आर बींग डिप्राइव फ्राम द फ्रीडम डिग्निटी एंड बेसिक ह्यूमन राइट्स तो असल में प्रॉब्लम ये होता है कि जब किसी भी इंसान को ग़ुलाम बना लिया जाता है तो उसका अपनी ज़िंदगी के ऊपर कोई इख्तियार नहीं रहता तो सबसे पहले उससे उसकी आज़ादी छीन ली जाती है फिर उसके बाद उसकी डिगनिटी उसकी इज़्ज़त उसकी ऑनर उसकी रिस्पेक्ट और फिर जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं कि ना तो वो प्रॉपर्टी ऑन कर सकता है ना वो अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजार सकता है सो स्लेवरी इज़ आफ्टर मेंटेन्ड थ्रू वायलेंस एंड कर्शन एंड दोज हु आर इन हैव लिटिल और नो पावर टू रेजिस्ट जब हमने कॉलोनियलिज्म को कॉलोनियलिज्म की हिस्ट्री को अगर हम देखें तो कॉलोनियलिज्म के पीरियड के अंदर बहुत से लोगों को अफ्रीका से ग़ुलाम बना के जो मॉडर्न वेस्टर्न सोसाइटीज़ हैं मॉडर्न वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनके अंदर लाया जाता था उनसे फोर्सफुली जो है वो लेबर का काम करवाया जाता था और इस अरसे के दौरान अगर आ, वो रजिस्ट करने की कोशिश करते थे तो फिर उनको सख्त से सख्त सजा दी जाती थी सो स्लेवरी हैज बीन ऑफिशली अबोलिश्ड फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट इन मैनी पार्ट्स ऑफ़ द वर्ल्ड आज की दुनिया में भी हम देखते हैं जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है आ, बहुत से लोगों को ज़बरदस्ती एक मुल्क से दूसरे मुल्क लेके जाया जाता है उनसे ज़बरदस्ती काम लिया जाता है जैसे कि हम वेस्टर्न सोसाइटीज़ के अंदर देखते हैं ख़ास तौर पर जो कार्टल्स हैं वो प्रोस्टिट्यूशन के लिए बहुत सी औरतों को स्मगल करते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ में से और इसकी वजह से लॉ इनफोर्समेंट एजेंसीज़ हरकत में आती हैं और इस तरह के कार्टल्स को जो है करने की कोशिश करती हैं लेकिन इस सारे प्रोसेस के अंदर हम ये देखते हैं कि किस तरह यूज़ ऑफ़ फ़ोर्स के ज़रिए एक इंसान को एक आज़ाद इंसान को जो है गुलाम बनाया जाता है और स्ट्रेटिफिकेशन का एक ऐसा निज़ाम इस्टबलिश किया जाता है जिसमें दर्जाबंदी के अंदर हायर पोजीशन के ऊपर वो लोग होते हैं जो दूसरे लोगों को अपनी मलकियत समझते हैं और उनकी पूरी ज़िंदगी को डिटरमिन करने का इख्तियार अपने पास रख लेते हैं इन पाकिस्तान ऑल दो लेबरी इज़ ऑफिशली इलीगल देर आर स्टिल रिपोर्ट्स ऑफ बॉन्डेड लेबर एंड फोर्स लेबर इन सर्टन इंडस्ट्रीज़ पर्टिकुलरली इन ब्रिक मेकिंग एंड कार्पेट मेकिंग सेक्टर तो इट्स अ फूड फॉर थाट फॉर यू एज अ सोशोलॉजिस्ट कि आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे आ, कौन से शोबे हैं कि जिनमें स्लेवरी जो है इनडायरेक्टली प्रैक्टिस की जा रही है जैसे कि हम देखते हैं ब्रिक मेकिंग के अंदर आ, लोगों को मजबूर किया जाता है आ, एक ख़ास अमाउंट के एवज उनको ज़िंदगी भर के लिए गुलाम बना लिया जाता है और उनसे फ़ोर्सफुली काम लिया जाता है तो इसी तरह से हम देखें कि बाकी शोबों के अंदर भी जो एक्नॉमिक सिस्टम है वो किस तरह से लोगों को क्वर्शन के ज़रिए मजबूर करता है एक्स्ट्रा लेबर के लिए मिसाल के तौर पे अगर आपके लिए जो आपका आ, काम का जो ड्यूरेशन है वो आठ घंटे का डिटर्मेंट है जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने डिटर्मेंट किया हुआ है कि एक इंसान के से एक दिन में आठ घंटे काम लिया जा सकता है जो कि नॉर्मल रूटीन वर्क प्रैक्टिस होती है और अगर उसके अलावा काम लिया जाता है और उसके वजह से मुआवजा भी नहीं दिया जाता तो वो फोर्स लेबर कंसीडर होगी तो इस तरह बहुत से शोबों के अंदर हम इनवालिटी के ऊपर अपने निज़ाम में ये देखते हैं कि चूँकि हायर पोजिशन के ऊपर बैठे हुए लोग जो हैं वो लोअर कैडर या लोअर पोजीशंस के लोगों से फ़ोर्सफुली काम ले सकते हैं और अपने इस स्ट्रेटिफाइड सिस्टम का फ़ायदा उठाते हैं तो ये पोटेंशियल इनक्वालिटीज़ जो हैं लोगों के लिए एक्सप्लेशन का बायस बनती हैं